गुड मॉर्निंग गाइस। ओ ये सोनिक क्या बे वेट ओबे पागल हो गया है। ओबे गाइस इसने ओबे ये क्या कर रहा है। अभी इसने मेरा हाउस तोड़ा एंड इसने मेरे को इतने सारे डायमंड्स दे दिए। रुको ये मुझे कहीं पर ले जा रहा है। ये क्या है गाइस इतने सारे डायमंड्स दे तो रहा है लेकिन यहाँ पर ये एक थॉमस का टनल भी है एंड इसके अंदर चला गया। ओ ये क्या एमरल्ड 3 ओके 3 एमरल्ड से हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं एंड ये ब्लू थॉमस 5 एमरल्ड्स ऑल राइट एंड ये एमरल्ड थॉमस 9। ओ लेकिन मेरे पास तो एक भी एमरल्ड ही नहीं है तो मैं एमरल्ड माइन करके लाता हूँ। तो चलो चलते हैं। ये देखो एक एमरल्ड नहीं इनसे फाइट करना पड़ेगा। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है यार क्योंकि मैं हूँ माइनक्राफ्ट का हैकर सो मैं किसी को भी 2 सेकंड के अंदर मार सकता हूँ। तो यहाँ से गाइस फटाफट जल्दी जल्दी एमरल्ड्स माइन करते हैं क्योंकि भाई उसके अंतर में जल्दी जल्दी जाना भी है। सो लेट्स गो केरा एंड बहुत सारे माइन कर लेते हैं क्योंकि एक ही बार में तीनों के अंदर जाएंगे ना दोबारा माइन करने के लिए आना भी नहीं पड़ेगा। सो भाई बार बार कौन आए जल्दी जल्दी माइन करते हैं एंड चलते हैं गाइस फर्स्ट टनल के अंदर। भाई मेरे को तो डर लग रहा है कहीं स्केरी थॉमस ना हो। भाई वेट अबे नीचे लगे आजा चल चल चलो गाइस यहाँ पर अपने एमरल्ड्स का काम तो हो गया है एंड हम लोग जाने वाले हैं फर्स्ट टनल के अंदर। तो मुझे इसको एमरल्ड देने पड़ेंगे ब्लेजर को यहाँ पर 5 एंड ये 9 कोई बात नहीं। चलो पहले मैं इसको देता हूँ 3 एमरल्ड्स भाई ये ले ओके चलो चलते हैं गाइस रेड थॉमस के अंदर। सो गाइस मैं आ चुका हूँ इसके अंदर एंड मेरे को कुछ यहाँ पर कुछ अजीब लग नहीं रहा है क्योंकि भाई टनल तो ऐसा ही होता है लेकिन सामने एक डोर है एंड यहाँ पर खतरनाक पावर करना पड़ेगा। ओ भाई चलो कोई बात नहीं करते हैं। यहाँ पे एक चेस्ट है मुझे इसको चेक करना है कैसे भी करके। वेट अबे उधर जाऊँ कैसे लेकिन मैं कोई बात नहीं अभी ये पार करते हैं। चलो चलो ओके यहाँ पर एक सामने वाला एंड उसके आगे एंड फिर डोर के पास लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे लौट के चेस्ट के पास आना पड़ेगा। भाई डोर में कोई लॉक वॉक लगा है कि नहीं मुझे लग तो रहा है लॉक लगा है। ये देखो गाइस मैंने कहा था यार डोर में लॉक लगा है मुझे पता था इस चेस्ट के पास जाना पड़ेगा लेकिन भाई क्या ही करूँ मुझे लगा भाई ऐसे खुल जाएगा। कोई बात नहीं चलो अभी हम लोग डोर के पास चलते हैं एंड देखते हैं डोर के अंदर में की मिलेगी या कुछ और मिलेगा। सो लेट्स सी ओके अभी आगे जाना है फिर वहां से वहां जंप करनी है। चलो गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं एंड अभी सामने जंप ओके चलो लेकिन भाई पासवर्ड यहाँ ओ भाई ये तो बहुत सिंपल पासवर्ड था भाई एक ही बार में पासवर्ड कैसे खुल गया भाई ये खतरनाक तुक्का था मेरा। तो चलो गाइस यहाँ पर हम लोगों को एक लीवर मिला है जिससे कि ये डोर ओपन होगा। भाई तो बहुत आसान काम था लेकिन भाई मैं तो बोर हो रहा हूँ यार ये करके। कोई बात नहीं यार जल्दी जल्दी फटाक से करते हैं एंड डोर ओपन करने के बाद जो हमें मिलने वाला है भाई वो तो मैंने सोचा भी नहीं है। चलो 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 ओके लीवर मिल चुका है और राइट यस। सो चलो फाइनली डोर ओपन हो चुका है एंड अंदर चलते हैं। ओ भाई इतना खतरनाक सूट भाई रेड ओ माय गॉड पहली बार इतना यूनिक आर्मर मिला है मेरे को। गाइस तो बहुत मस्त है यार तो कोई मेरे को मार भी नहीं पाएगा। सो गाइस यहाँ पर हमारा फर्स्ट रेड टनल पार हो चुका है तो अब हम लोग जाने वाले हैं सेकंड टनल के अंदर जो कि है ब्लू थॉमस टनल। तो मैं इसको 6 एमरल्ड देता हूँ एंड जाता हूँ इसके अंदर। अभी ये तो पूरा डायमंड का बना हुआ है कोई बात नहीं चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हो। यहाँ पर ट्रैप तो नहीं है लग तो ऐसे रहा कि गाइस यहाँ पे एक ट्रैप है। नहीं मैं समझ चुका हूँ मुझे यहाँ पर एरो एंड वो दिया गया है एंड यहाँ पर मेरे को बटन्स में निशाना लगाना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर जल्दी जल्दी से मारना पड़ेगा तभी हमारा डोर खुल जाएगा। तो जल्दी फटाफट अपना काम कंप्लीट करते हैं एंड ये लास्ट ओ खुल गया। चलो गाइस चलते अंदर ओके यार ये ग्लास के ऊपर मेरे को चलना पड़ेगा सो डिफिकल्ट लेकिन कोई बात नहीं एकदम पेशेंस रख के एंड अलर्ट और एकदम देखते देखते मैं पार कर ही लूंगा। लेकिन भाई एकदम एकदम मेरे को समझ के चलना पड़ेगा कि मुझे कहाँ कहाँ पर पैर रखना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी इधर उधर पैर रखा नहीं मैंने एंड भाई मैं मरने वाला हूँ लावा के अंदर करके। कोई बात नहीं ओके चलो 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 भाई ये बहुत डरावना है यार क्योंकि मैं एक बार लावा के अंदर गिर गया फिर मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा यार यहाँ पे। सो चलो 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 यस यस
चलो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने ये भी पार कर लिया है बहुत मुश्किलों के बाद। एंड यहाँ पर मेरे को एक डायमंड आर्मर, डायमंड शॉर्ट एंड बहुत सारे डायमंड मिल चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। चलो सब कुछ लेते हैं एंड बढ़ते हैं टर्टल की तरफ। पहले मैं पहन के देखता हूँ भाई ये कैसा लगेगा। ये भी ज्यादा मस्त लग रहा है यार, क्योंकि सिंपल डायमंड का नहीं है, अलग है, एकदम अलग। भाई ये भी मस्त लग रहा है गाइस, देखो यार कैसा लग रहा है मेरे को, कमेंट्स करके बताओ रेड वाला ज्यादा अच्छा है या ये ब्लू वाला। चलो ये फेंक देते हैं, बेकार हो गया क्योंकि मेरे को इससे अच्छा मिल चुका है। चलो गाइस चलते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं थर्ड वाले में क्या होगा। भाई शॉर्ट भी तो खतरनाक है यार मेरे पास, एकदम खतरनाक सीन हो रहा है। अब यहाँ से रन करते हुए लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पर हमारे फाइनली टू टनल्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं थर्ड टनल के अंदर। एंड मेरे पास भाई पूरे के पूरे 9 एमरल्ड्स बचे हुए हैं, तो मैं इसको सारे के सारे फटाफट दे देता हूँ। एंड गाइस अब जो लास्ट टनल के अंदर होने वाला है ना, वो किसी भी टनल के अंदर नहीं हुआ है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर कुछ खतरनाक होने वाला है। भाई अंदर से वाइब आ रही है मेरे को, वेट 10 एमरल्ड्स। अबे यार अब यहाँ पर भी मुझे एमरल्ड ही माइन करने पड़ेंगे, हर जगह भाई यही क्यों हो रहा है। भाई मेरे को माइन क्यों करने पड़ रहे हैं यार, यहाँ पर इतने सारे एमरल्ड हैं। चलो यही उठा के इनको दे देता हूँ। भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ 10 एमरल्ड करने हैं और मेरे पास 7 ऑलरेडी हो चुके हैं एंड 8, 9 एंड लास्ट 1 हो गया है गाइस, मेरे पास पूरे 10 एमरल्ड्स। सो चलो जल्दी फटाफट इसको देते हैं और भाई एक्स्ट्रा तोड़ लेता हूँ, शायद आगे हम लोगों को जरूरत पड़ जाए। तो चलो गाइस इसके पीछे क्या होगा मुझे एकदम बिल्कुल भी नहीं पता है। तो मैंने इसको 10 एमरल्ड्स दे दिए एंड 3 मैंने एक्स्ट्रा तोड़े थे। वेट ओके मार दिया इसको मैंने, यार मुझे पता था यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, इसलिए यहाँ पर मुझे आते ही मॉन्स्टर्स मिलने भी लगे। ओके अब कौन सा मॉन्स्टर मिलने वाला है मुझे, देखना पड़ेगा आगे बढ़ के। ओके यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो चेस्ट, चलो देखते हैं। यहाँ पर एक आर्मर भी है ग्रीन कलर का। गाइस आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, मैं जिस भी टनल के अंदर जा रहा हूँ, देखो फर्स्ट था भाई एक रेड टनल जिसके अंदर हमें रेड आर्मर मिला है एंड सेकंड के अंदर भाई मिला था हम लोगों को ये ब्लू कलर का एंड थर्ड ग्रीन थॉमस थी ना, तो यहाँ पर हम लोग ग्रीन कलर का आर्मर मिला है। सो गाइस अब ग्रीन कलर की शॉर्ट भी मिल चुकी है एंड चलो ग्रीन वाला पहनते हैं और बताना गाइस इसमें मैं कैसा लग रहा हूँ, मतलब तीनों में से आप लोगों को कौन सा बेस्ट लगा ये मेरे कमेंट्स करके बताओ। सबसे पहले फेंकते हैं भाई 2 कौड़ी का गंदा सा। चलो गाइस यहाँ पर अपना काम हो चुका है फाइनली, तो चलो अभी घर में अपना सारा का सारा सामान रखते हैं। भाई आज मैं बहुत ज्यादा अमीर हो चुका हूँ, तो चलो भाई यस ओके। वेट अभी सोनिक क्या कर रहा है गाइस, क्या कर रहा है यहाँ पे, अबे ये पोशन क्यों डाल रहा है, कुछ गलत होने वाला है। अबे ये क्या, ओ वेट ओ माय गॉड ओ शिट, अबे तीनों के तीनों स्कैरी हो चुकी हैं। अबे नहीं मैं गया।